असम के गोसाईगांव में एक हृदय विदारक घटना घटी है। नगरगांव में आग में झुलसने से दो शिशुओं की मौत हो गई है। 4 और 5 वर्षीय दोनों शिशुओं को खेलने के दौरान जूट के ढेर में आग लगने से इनकी मौत हो गई। देखते ही यह आग तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। इस आग की चपेट में दोनों शिशु भी आ गए। स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर इनकी जान नहीं बची। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। तो निचले असम के गोसाईगांव में एक हृदय विदारक घटना घटी है। नगरगांव में आग में झुलसने से दो शिशुओं की मौत हो गई है। 4 और 5 वर्षीय दोनों शिशुओं को खेलने के दौरान जूट के ढेर में आग लगने से इनकी मौत हो गई। देखते ही यह आग तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। इस घटना की चपेट में दोनों शिशु भी आ गए। स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर इनकी जान नहीं बची। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मैं खबर पे पासी मैंने जुली आल मैं हाला शिला एजन तो ओलाई ओल गम पाए मैं ऊर सबरिया मानु गई कभी सराइसु। तो असम के गोसाईगांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। दो बच्चे झुलसने से उनकी मौत हो गई है। 4 और 5 वर्षीय दोनों शिशुओं को खेलने के दौरान जूट के ढेर में आग लगने की वजह से उनकी चपेट में आ गए थे दोनों बच्चे, और दोनों बच्चों की मौत हो गई है। लोगों ने काफ़ी बचाने की कोशिश की थी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गोसाईगांव से जुड़े हमारे सहयोगी हफीज़ुर रहमान, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। दो मासूम बच्चों की जान चली गई है, जूट की ढेर में आग लगी थी, क्या कहेंगे? Nagar in the district of Kokrajhar of Assam, two children died. Two children were critically injured by fire. Actually, two children when they were playing in the pile of jute stick and straw also, the fire ultimately fire came and they could not save their life. So one children. Daughter of Onindo Kisku, Archina Kisku, and another son of Shum Hemrom, Moniram Hemrom, as 4 and 5 years respectively. So there was no in that house. So when the children crying and the fire gave out their bodies, so local people tried to rescue them but could not, and they stopped their last breath. And actually, in that matter, local people as well as the many ministers, including the Chief Minister of Assam and BTRD chief and many executive members of BTR, they expressed the griefness. And so, local people all were in sad mood. They were actually, two children so unlucky, but everybody tried to save their lives, but could not. In this matter, many people gathered there and they expressed their sadness. Okay. जी हाफिजुर, जैसा आप कह रहे हैं कि सभी ने दुख जताया, बिल्कुल ये बेहद ही दर्दनाक हादसा है और दुख की भी बात है। क्या ये चाय समुदाय से थे, और वहाँ चूंकि गोसाईगांव और आसपास के इलाकों में जूट का प्रोडक्शन बहुत होता है, लेकिन जैसा आप कह रहे थे हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था, तो बच्चों को छोड़कर उनके पेरेंट्स गए कहाँ थे? Actually, they are very poor people. That locality is very poor. This Adivasi, especially Adivasi people of the Gosaigaon subdivision as well as in the district, they are living from hand to mouth. They went to villages for their work, and no one there. Okay. जी हाफिजुर, बहुत ही जैसा आप बता रहे हैं, विजुअल में हम जो देख पा रहे हैं इस वक्त, खुला इलाका है और घर के आंगन में ये जूट का जो बोझ था वो रखा हुआ था। उस वक्त उनके पेरेंट्स नहीं थे, 4 और 5 वर्षीय बच्चे जो आपस में खेल रहे थे। आग लगने के कारणों का पता चल पाया है हफीजुर? नो, एक्चुअली वी हैव नॉट येट नोन द सोर्स ऑफ फायर। इवन पुलिस को कुड नॉट से, इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन।
हाफिजुर, इन जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाफिजुर रहमान गोसाई गांव से हमें अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे कि यह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ। और दर्शकों को एक बार फिर बता दे कि नया नगर जो है गोसाई गांव में, वहां दो बच्चे खेल रहे थे और उनके आंगन में जो जूट का बोझ था, बोझ में आग लग गई थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोनों बच्चे जब झुलस रहे थे तो बच्चों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े थे, लेकिन दोनों बच्चे बुरी तरह से झुलस चुके थे। आग तेज़ी से फैल गई थी, सूखी हुई पटसन की ढेर में जो आग लगी थी वो आग तेज़ी से फैली। बाद में अग्निशमन बल ने आकर आग को बुझाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दर्दनाक हादसा, बेहद दुखद खबर गोसाई गाँव से आ रही है। 4 और 5 वर्षीय बच्चे की झुलसने से मौत हो गई थी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त बच्चों के पेरेंट्स घर में नहीं थे। हमारे संवाददाता हफीजुर रहमान बता रहे थे कि ये दैनिक मजदूर है और हर दिन काम में के लिए निकल जाते थे। दुर्भाग्यवश ये हादसा हुआ है और पुलिस इस घटना की जांच कर रही है कि आखिर ये आग कैसे लगी। लेकिन इस वक्त जो खबर आई है निचले असम के गोसाई गांव से, बेहद ही दुखद और दर्दनाक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दो बच्चों, मासूम बच्चों की जलने से मौत हो चुकी है।